रायबरेली में मासूम दलित बच्ची से रेप करने वाले दुष्कर्म के आरोपी से हुई पुलिस मुठभेड़। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दुष्कर्म का आरोपी गोली लगने से हुआ घायल। मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाहो गांव का है, जहां कल शाम घर के बाहर खेल रही 9 साल की मासूम दलित बच्ची को पड़ोस में रहने वाले 55 वर्षीय अधेड़ मुस्लिम युवक पीर दीन बेहला फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और लहूलुहान हालत में खेत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। लेकिन रायबरेली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी वहसी दरिंदे पीर दीन कुछ 24 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दुष्कर्म के आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया है। कल खीरो थाना क्षेत्र के ग्राम पाहो में दुष्कर्म की एक घटना हुई थी, जिसमें 9 वर्षीय बालिका के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इस सूचना पर तत्काल FIR पंजीकृत हुआ था और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए हमारी पूरी सर्किल के 4 थानों की टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम लगी हुई थी। रात में हमारी समस्त टीमें पूरे गांव का सर्च की, आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग किया गया, सर्चिंग किया गया अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए। आज दोपहर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इसका लोकेशन ललाखेड़ा के जंगलों में पाया जा रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर हमारी चारों थाने की टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची, घेराबंदी करके अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।